तो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना अपनी रफ्तार तेज कर रहा है। यहाँ पर अब तक दिल्ली में 1578 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं जबकि 32 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ाकर 57 कर दी है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या तकरीबन 12,000 के आंकड़े को छू चुकी है और ये हालात तब है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मुस्तैदी से इंतजाम किए जा रहे हैं, उसे लागू करवाया जा रहा है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब तक यहाँ पर 1578 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और बीते दिन यहाँ पर दो मौत के बाद जो मौत का आंकड़ा है वो 32 को छू चुका है। आपको बता दें कि 1578 पॉजिटिव केसेस में 1,080 मामले जमात से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब तक जो है यहाँ पर सावधानी बरतते हुए केंद्र जो दिल्ली सरकार है उसने जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो बढ़ाकर 57 कर दी है। बीते दिन दो हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। पीछे में आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, ये INA के आसपास की तस्वीर है। अभी देखिए पुलिस जो है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ ना यहाँ की है बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और पुलिस बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से जांच कर रही है। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बाकायदा पुलिस जो है पूछताछ के बाद ही लोगों को बैरिकेड क्रॉस करने की इजाज़त दे रही है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद जो है दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे देश की जो है जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। पूरी ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना का जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। दूसरा लॉकडाउन भी किया गया और आज लॉकडाउन 2.0 का आज दूसरा दिन है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया TV, दिल्ली।